अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अंडे की बिल्कुल नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप अंडे का कोरमा भी कह सकते हैं, लेकिन इसे मैंने अपने स्टाइल में बनाया है, जिसकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी है। बहुत से लोगों को अंडे की ग्रेवी फीकी लगती है, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप इसे अगर एक बार बनाओगे तो इस रेसिपी को बार बार बनाने का दिल चाहेगा। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। मैंने इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 9 बॉयल अंडे लिए हैं। आप इस ग्रेवी की क्वांटिटी के हिसाब से एक डजन अंडा भी डाल सकते हैं। मेरे पास फिलहाल 9 ही अंडे थे, इसलिए मैंने डाला है। तो सबसे पहले कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सूखा खोपरा लिया है और 10 से 12 काजू। अब बिल्कुल थोड़ा सी पानी डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर रख लेंगे। हमें इसे बिल्कुल बारीक सा पीसना है। अब 2 बड़े प्याज को रफली कट कर लेंगे और इसमें 10 से 12 हरी मिर्ची डालेंगे। मिर्ची आप आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। अब इसे बिना पानी डाले हुए बारीक पीस लेंगे। तो इन दोनों मसालों को रेडी करके एक साइड में रख देंगे। अब एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें बॉइल्ड किए हुए अंडे डालेंगे। अब अंडे के ऊपर 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अंडों को इस तरह फ्राई करने से ये टेस्टी लगते हैं। तो 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। तो अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। अब पैन में 1/4 कप ऑयल गरम कर लेंगे। अब इसमें प्याज और हरी मिर्ची का जो हमने पेस्ट बनाया था इसे डालेंगे। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसे पकाना है, ताकि प्याज की खुशबू भी चली जाए और ये ड्राई भी हो जाए। तो प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है और देखिए प्याज का पानी भी सूख चुका है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 मिनट इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब गैस की फ्लेम स्लो रखकर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम रखकर भून लेंगे। मसाला भूनते वक्त अगर ड्राई हो गया है तो 1 टेबल स्पून पानी डालकर भूनिए। 2 मिनट बाद इसमें 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही डालेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल दही है तो वो भी चलेगा। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप नॉर्मल दही डाल रहे हैं तो 1/4 कप डालिए। मैंने इस दही का पूरा पानी निकाल दिया था, इसीलिए मैंने इसे 3 टेबल स्पून डाला है। अब इसमें सूखे खोपरे और काजू का पेस्ट डालेंगे। मीडियम फ्लेम रखकर 2 मिनट तक इसे भी भून लेंगे। अब ढककर इसे 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल आने देंगे। तो ग्रेवी को बॉईल आ रहा है। अब इसमें फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे। अब यहाँ चेक करके इसमें नमक डालेंगे। याद रखिए कि हमने पहले भी नमक डाला है, इसलिए ग्रेवी को टेस्ट करने के बाद ही नमक डालिए। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए माशाल्लाह अंडे का कोरमा रेडी हो चुका है और ग्रेवी में देखिए ऑयल भी कितना छूट चुका है। ये ग्रेवी थोड़ी थिक ही रहती है, तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो इस टेस्टी अंडा कोरमा को आप राइस या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए और इस टेस्टी अंडे कोरमे का मज़ा लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।